मसाला मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 पैकेट मैगी, 2 टेस्ट मेकर, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 प्याज फाइनली चॉप्ड और आधी शिमला मिर्च ली है मैंने फाइनली चॉप करी हुई, 1/2 बाउल मटर का लिया है, यहाँ पे नमक लिया है, धनिया पाउडर लिया है, हल्दी ली है, हल्दी पाउडर लिया है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला लिया है और इसमें लगेगा हमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और पानी लगेगा हमें यहाँ पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी मसाला मैगी बनाना। मसाला मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 4 टेबलस्पून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है और ये तेल अब हमारा गर्म हो गया है अच्छे से। इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 बारीक कटे हुए प्याज और साथ ही साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ मटर। तो मटर अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं ना तो उसको बाद में ऐड कीजिए, अभी ऐड नहीं करना है अगर फ्रोज़न मटर आप यूज़ कर रहे हैं तो इनको हम 2 मिनट तक सौते कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम पे रखी हुई है। प्याज को यहाँ मैंने 2 मिनट सौते कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को ऐड करे बाद में भी हम 1 मिनट और सौते कर लेंगे इसको। शिमला मिर्च को भी अब यहाँ पे मैंने 1 मिनट तक सौते कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टमाटर फाइनली चॉप और टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो टमाटर अब हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर लूँ इसके अंदर नमक, और नमक है ना आप थोड़ा कम ही ऐड करें क्योंकि मैगी के साथ जो टेस्ट मेकर आता है, मसाला आता है ना, उसमें ऑलरेडी नमक होता है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर और साथ ही साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम 2 पैकेट मैगी के बना रहे हैं तो है ना मैं 2 मैगी मसाला के जो पैकेट्स आते हैं ना वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब हम सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अपने मसालों को मैंने यहाँ पे 1/2 मिनट पका लिया है एकदम लो फ्लेम पे और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। तो पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टोटल 500 ml, 1/2 किलो पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मिक्स कर लेते हैं एक बार सबको। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपनी मैगी। तो ये मैगी को मैंने बीच में से ऐसे तोड़ कर रखा है तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको पानी, पूरा पानी सूखने तक है ना पका लेंगे। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ना मेरी मैगी में पानी एकदम अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। और अगर आपको थोड़ी पानी वाली मैगी पसंद है ना तो आप इसको थोड़ा सा पानी जब इसमें रह जाए ना उससे पहले भी बंद कर सकते हैं। तो ये अब हमारी मसाला मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व।